that girl? Recently, in a few months, everyone has been trying to become that girl. Who is that girl? Is it really worth trying to do this? I'm gonna try this trend and share with my journey, so let's find out if it's really work to help. So this video is about me trying to that girl. So if you guys don't know that girl is, think of you a girl as always want to be. Like, that girl is very subjective. It could be different for everyone. You find that as someone likes like to you don't ever wanna stop. Wake up early in the morning, drink lemon water, do her skincare, workout. The whole concept of that girl is very like post ourselves to be a best version of yourself. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh. So first I woke up like 8 o'clock and bas uske baad ye maine apna pani piya, lemon water, and simply apne baalon ko tong kar lungi because wo lambe to lag jaate hain aur hygiene का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना पड़ता है. तो ब्रश करना, टंग क्लीन करना, ईयर कानों को क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है डेली बेस पे. सो मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट डू दिस. टंग क्लीनिंग बहुत कम लोग करते हैं, बट करना चाहिए, वो भी टंग क्लीनर से. ब्रश से अच्छे से क्लीन नहीं होता है. एंड सिंपली आपको एक क्लीन टॉवल से अपने चेहरे को पोंछना है. और यहाँ मैं अपना बाथ ले लेती हूँ और बाथ के बाद ही मैं अपना कान साफ़ करती हूँ बिकॉज़ वो तब तक वो पानी से फूल जाता है और वो अच्छे से क्लीन हो जाता है. तो थोड़ा स्किन केयर कर लेते हैं. यहाँ मेरा बेसिक स्किन केयर है जो मैं रेगुलर बेस पर करती हूँ, जो प्रोडक्ट एसेंशियल है लाइक टोनर और सम गुड मॉइस्चराइज़र विच सूट्स टू योर स्किन. अकॉर्डिंग टू योर स्किन आपको प्रोडक्ट यूज़ करना है. और लिटल बिट ऑफ मैं एलोवेरा जेल यूज़ करती हूँ जब भी मेरे को स्किन पे थोड़ा बहुत रैशेस पड़ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाती है, तो अदरवाइज मैं इसको स्किप कर देती हूँ. लास्ट एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज सनस्क्रीन. ये बहुत ज़रूरी है. सो बिना उसके अगर आप दिन का पूरा दिन गुजार देते हैं तो आपकी स्किन डैमेज हो सकती है. सन धूप से तो सबसे ज़्यादा डैमेज. जब ग्लिसरीन पिघल सकता है तो हमारा फेस क्या चीज़ है गाइस. लगा लिया करो थोड़ा सा सनस्क्रीन, प्रोटेक्ट रहेगा आपका चेहरा. अभी तो मार्केट में बहुत सारे वैरायटीज़ में अवेलेबल हैं, तो आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो अपने स्किन के अकॉर्डिंग. और ये तो बिल्कुल ऑप्शनल है. ये मैं इससे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हूँ. ये मैंने घर पे बना रखा था बीटरूट ग्लिसरीन और एलोवेरा जेल से. ये ख़राब भी नहीं हो रहा. फ्रिज में रख के आप इसको स्टोर भी कर सकते हो और ये बहुत अच्छा ग्लो देता है, इसलिए मैं हमेशा इसको लगाती हूँ. सो अब ब्रेकफास्ट की बारी आती है. तो आज मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट्स और जूस लूँगी बिकॉज आज मेरा हेल्दी खाने का मन है. एंड मोस्ट ऑफ द टाइम मैं इनके साथ दो रोटी भी खाती हूँ, बट आज मेरे इसी में पेट भर गया. जूस पीना बहुत ज़्यादा मेरे को पसंद है, तो मैं रेगुलर बेस पे ये जूस पीती हूँ. रेगुलर आप मेरे पुराने वीडियोज़ में देख सकते हो. बैड गर्ल का वीडियो है ये, तो थोड़ा प्रोडक्टिव तो होगा ही. तो कोशिश करते हैं हम कि कुछ पूरा दिन को यूटिलाइज़ करें. तो फटाफट ब्रेकफास्ट करूँगी और उसके बाद का मेरा स्केड्यूल है, क्योंकि अभी बज ब्रेकफास्ट करते करते मुझे बज गए थे 9-10 बज गए थे. सो आपका टाइम है तो बहुत ज़्यादा काम होता है, तो मम्मा के लिए नहीं कर पाएंगे, इसलिए मुझे भी थोड़ा बहुत हेल्प करना पड़ेगा. सो आज का लंच मैं बनाऊंगी. लंच बहुत बेसिक होता है हमारे घर का बिकॉज हम लोग बहुत सिंपल खाना पसंद करते हैं. ये कोई कहने की बात नहीं है, बट बता दिया. सो फटाफट ये इतना सारा फ्रूट्स मैंने ज़्यादा ले लिया था अदरवाइज, लेकिन एक फ्रूट इनफ होता है डेली बेस में. अगर आप एक फ्रूट ऐड करते हैं तो स्पेशली सीजनल फ्रूट, लाइक अभी सिट्रिक एसिड आप खा सकते हैं, ऑरेंज का सीज़न चल रहा है. तो यहाँ मैंने रोटियाँ पकाई, चावल पकाया और लंच ब्रेकफास्ट में मम्मा ने जो जो बना दिया था वो भी ऐड कर दिया. और बस जो जो मुझे आता है मैंने वो फटाफट बना दिया. और हाँ, लंच में आपको सैलड भी लेना चाहिए. जो भी अवेलेबल है घर में आप वो यूज़ करो. ऐसा कुछ नहीं है कि आपने मार्केट से लाना है ये वो फलाना ढंग का. जो है खाओ, हेल्दी खाओ. मेरा लंच भी हो चुका है.
सो लंच करने के बाद मैंने सोचा कि चलो आज बहुत टाइम बाद वैक्सिंग करते हैं, बहुत मन था, मेरी स्किन बहुत ही टैन हो गई थी, तो मैंने सोचा कि कुछ होमवेड बनाते हैं, जब भी अवेलेबल है तो यार मैं क्यों इन्वेस्ट करूँ पार्लर्स में, इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव वैक्स तो बहुत ईजी होता है, मेरे को तो ईजी लगता है, मे बी आपको थोड़ा टफ लगे बट बहुत ईजी है। आपको अपने प्लांट्स या कहीं से भी पड़ोस से चुरा लेना है एक एलोवेरा, उसका पल्प निकाल के उसको ग्राइंड कर लेना है, पैन चढ़ाना है, इसमें डालना है थोड़ा सा शुगर, एंड देन शुगर के बाद हम डालेंगे लेमन जूस, 2 या 3 इनफ होता है, और इसमें आपको डालना है थोड़ा सा पानी, और इन तीनों को अच्छे से पकाना है, बिल्कुल मीडियम मतलब लाइक डिम कम फ्लेम पे पकाना है। उसके बाद इसमें ऐड करेंगे हम एलोवेरा, सो ये डिटैन कर देता है आपकी स्किन को, मुझे तो बेस्ट लगता है, और आपकी 1 महीने की तो छुट्टी हो जानी है इसको यूज़ करने से। और ये थोड़ा सा कलर के लिए लिपस्टिक टिंट अपना डाल दिया, ये भी 2 डाला है मैंने, और बस सिंपली आपको ऐसे किसी भी नाइफ से जो भी अवेलेबल है उससे लगाइए, और फटाफट ये आपकी स्किन को क्लीन करता जाएगा। आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी लगाना, थोड़ा सा लेंदी है बहुत, आप बोर हो जाएंगे, बट आपके पास कोई पर्सन है जो आपको कर सकता है तो वो कर देगा, अदरवाइज़ आप खुद से भी कर सकते हैं, ईजी है, मुझे तो बेस्ट लगता है। सो मैं लाइक 1 मंथ में 1 बार कर ही लेती हूँ, और मुझे मेरी मतलब 1 हफ्ते लाइक जो मेरे नॉर्मल बाल होते हैं ना उससे बहुत ज़्यादा लेट बाल निकलते हैं जब भी मैं ये वाला ट्राई करती हूँ, और टैनिंग चली जाती है तो मेरी स्किन बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। और टोनिंग करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि पोर्स खुल जाते हैं चेहरे की तरह, हमारे बॉडी का भी, सो अच्छे से टोनर अप्लाई करो और देन मॉइस्चराइज़र अप्लाई करो, एंड देन आपकी स्किन आपको थैंक यू कहने के लिए बिल्कुल रेडी। ओके गाइज, आज का डे यहीं ख़त्म होता है, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।